छतरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों सहित तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। चंदला थाना के रमझला में अनुरागी परिवार के तीन बच्चे घर से बिना बताए तालाब की ओर चले गए। जब देर शाम तक वो नहीं लौटे तो घर वालों ने उन्हें ढूंढना प्रारंभ किया। गांव के अन्य बच्चों ने परिजनों को बताया कि उनके बच्चे तालाब की ओर गए थे और परिजन जब ग्रामीणों के साथ तालाब पर पहुंचे तो तीनों बच्चों के शव तालाब में तैर रहे थे। तीनों मासूम बच्चे 5 साल के ऋतिक अनुरागी, 6 साल के खेसारी अनुरागी और 8 साल के विजय अनुरागी की तालाब में डूबने से मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा है। ये थाना चंदला अंतर्गत ग्राम रामझाला गांव है, जहाँ के तीन बच्चे एक ही परिवार के थे और सगे भाई और कुछ कजिन थे उसमें। कल शाम को ऐसा वहाँ नहाने गया था और जब घर वापस नहीं लौटे तो दरवाजे को ढूंढा गया तो पता लगा तीनों डूबने से डेथ हो गई है और इसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है कि कैसे घटना हुई। ये तो हमको कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम बच्चों को धोड़ाई की तो हमको बच्चे तालाब में पता चला कि हमने छोटे छोटे बच्चों से ख्वाहिश थी कि बेटा हमारे बच्चों को देखा है, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे तालाब में थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।